और वही कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के उस पोस्ट पर कंगना रनौत समेत बीजेपी के कई नेताओं ने हमला बोला है। कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि महिलाओं का अपमान करने से हर किसी को बचना चाहिए। इसके साथ ही कंगना ने यह भी कहा कि सभी महिलाएं गरिमा के हकदार हैं, महिलाओं की शरीर पर टिप्पणी करना गलत है। कंगना रनौत का यह पलटवार सुप्रिया श्रीनेत और कांग्रेस पर। और कंगना रनौत ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि प्रिय सुप्रिया श्रीनेत जी, एक कलाकार के रूप में अपने 20 वर्ष के करियर में मैंने हर तरह की महिला की भूमिका निभाई है। क्वीन फिल्म में एक भोली भाली लड़की से लेकर धाकड़ फिल्म में एक जासूस तक, मणिकर्णिका में एक देवी से लेकर चंद्रमुखी में एक राक्षसी तक, रज्जो में एक सेक्स वर्कर से लेकर थलेवी में एक क्रांतिकारी नेता तक, हमें अपनी बेटियों को पूर्वाग्रहों के बंधनों से मुक्त करना होगा, हमें उनके शरीर के अंगों के बारे में जानने से ऊपर उठना होगा और सबसे बढ़कर हमें सेक्स वर्कर की चुनौतियों को गाली की तरह उपयोग नहीं करना चाहिए। हर महिला अपनी सम्मान की हकदार है। और उधर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के ट्वीट के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग अब एक्शन में दिखाई दे रहा है। एनसीडब्ल्यू ने विवादास्पद पोस्ट को लेकर सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है और इसी के साथ ही भारत के चुनाव आयुक्त को पत्र भी भेजा है। उनके खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई की मांग की गई है पत्र के जरिए। वहीं एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कंगना रनौत को एक योद्धा बताया है, उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को गरिमा के खिलाफ बताया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा कंगना रनौत के समर्थन में जमकर बोलती हुई दिखाई दी सोशल मीडिया एक्स के ऊपर। एनसीडब्ल्यू ने लिखा कि राष्ट्रीय महिला आयोग सुप्रिया श्रीनेत और एचएस आईर के अपमानजनक आचरण से स्तब्ध है। सोशल मीडिया पर कंगना के बारे में अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी की, ऐसा व्यवहार असहनीय है, महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है। रेखा शर्मा ने भारत के चुनाव आयुक्त को पत्र भेजकर उनके खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई की मांग की है। आइए सभी महिलाओं के लिए सम्मान और गरिमा बनाए रखें, हैशटैग महिलाओं का सम्मान करें, रेखा शर्मा का यह ट्वीट। और वही हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कंगना रनौत के अपमान को संपूर्ण नारी शक्ति का अपमान बताया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सुप्रिया श्रीनेत का बयान मातृशक्ति के प्रति कांग्रेस की सोच को दर्शाता है। तो बड़ी खबर, जयराम ठाकुर का जो ट्वीट है वो भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जयराम ठाकुर की तरफ से भी कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा गया है। उन्होंने ये कहा कि ये सिर्फ कंगना रनौत का अपमान नहीं है, पूरे मंडी क्षेत्र का ये अपमान है, नारी शक्ति का ये अपमान है। तो बवाल इस पोस्ट के बाद सुप्रिया श्रीनेत के अब बढ़ता चला जा रहा है। और जयराम ठाकुर की तरफ से सोशल मीडिया एक्स के ऊपर क्या कुछ लिखा गया है ट्वीट करके, उन्होंने क्या कहा है वो आपको हम बताते हैं। उन्होंने ट्वीट किया, ये कहा कि देवभूमि हिमाचल की बेटी कंगना रनौत के खिलाफ कांग्रेस की महिला नेत्री के द्वारा की गई टिप्पणी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। कंगना रनौत छोटी काशी कहे जाने वाली मंडी की बेटी है। उन्होंने फिल्म जगत में हिमाचल और मंडी का नाम रोशन किया है। उनके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कंगना रनौत का अपमान पूरे मंडी का अपमान है, पूरे हिमाचल का अपमान है, समूचे देश की समूची नारी शक्ति का अपमान है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता का यह बयान ही मातृशक्ति के प्रति कांग्रेस की सोच को दर्शाता है। देवभूमि के लोग कांग्रेस की महिला नेत्री द्वारा मंडी की बेटी के खिलाफ अपमान को माफ नहीं करेंगे। मातृशक्ति का अपमान कांग्रेस की आदत बन गई है। लोकसभा के चुनाव में मंडी और हिमाचल की जनता कांग्रेस को उनके इस कृत्य का करारा जवाब देगी। और वही कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत पर बीजेपी नेता तो हमला कर ही रहे हैं। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने भी उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी है। देखिए, भले ही सुप्रिया श्रीनेत जी अभी डिनाय कर लें, इनकार कर लें कि उनका अकाउंट हैक हुआ है, लेकिन अगर आप देखेंगे कांग्रेस के अलग अलग मुख्तलिफ हैंडल्स और उनकी टाइमलाइंस पर कितनी गंदी और भद्दी बातें कही जा रही हैं, किस तरह से डीप फेक वीडियोस हैं और कितनी बेहुदा किस्म की चीज़ें कही जा रही हैं, शेयर की जा रही हैं, वाकई में मुझे यकीन नहीं आता कि क्यों सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी इस पर चुप हैं, क्यों उन्होंने अभी तक सुप्रिया जी को पार्टी से बर्खास्त नहीं किया। किसी भी महिला के बारे में इस तरीके का कमेंट करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, काबिले इतराज़।
अगर उन्होंने ये कहा है कि ये किसी ने एक्सेस कर लिया है और ये कमेंट डाला है, तो मैं चाहूँगा कि सरकार को चाहिए कि इसका इन्वेस्टिगेशन करे, किन लोगों ने किया है, किसने ये कमेंट किया है, जिसने भी ये कमेंट किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रेत के पोस्ट पर बीजेपी नेता अमित मालवीय की तरफ से भी अब निशाना साधा गया है। मीडिया एक्स के ऊपर उन्होंने लिखा है, कांग्रेस की सुप्रिया श्रेत ने एक इंस्टा पोस्ट में कंगना रनौत पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। ये इतना घृणित है कि कोई भी ये पूछे बिना नहीं रह सकता है कि कांग्रेस इतनी गंदगी एक जगह कैसे इकट्ठा कर लेती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्हें तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। और वही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी सुप्रिया श्रेत के बारे कांग्रेस पर हमला बोल दिया। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा, राजनीति में कंगना की शुरुआत इस बात का प्रतिबिंब नहीं है कि आप कौन हैं, बल्कि इस बात का प्रतिबिंब है कि उन्होंने क्या किया है और आगे भी करने में सक्षम है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। जीत की ओर मार्च करें, विजयी भव। उधर सूत्रों ने दावा किया है कि जैसे ही मंडी से कंगना रनौत के चुनाव लड़ने पर मुहर लगी, कांग्रेस नेता प्रतिभा सिंह ने भी अपना फैसला बदलने पर विचार करना शुरू कर दिया है। खबर यह है कि प्रतिभा सिंह ने अंदर खाने की बात आला कमान तक पहुंचा दी है कि अगर पार्टी चाहेगी तो वो कंगना रनौत के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि कुछ दिन पहले चुनाव न लड़ने का ऐलान करके सुर्खियों में आई प्रतिभा सिंह अब यू टर्न ले सकती हैं। सूत्रों ने दावा किया है कि प्रतिभा सिंह ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से इस बारे में एक बार फिर से बातचीत करना शुरू भी कर दिया है। कि ये सिर्फ अटकलें हैं, वो भी इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मंडी लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस में जमकर खींचतान नजर आई। ये सीट 2021 में कांग्रेस ने उपचुनाव में जीती थी, तब हिमाचल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह ने ही यहां से चुनाव जीता था। और बीजेपी के कंगना रनौत को प्रत्याशी बनाने के बाद सबकी निगाहें एक बार फिर प्रतिभा सिंह की तरफ ही घूम गईं, क्योंकि एक तो वो वहां से मौजूदा सांसद है, दूसरा ये कि कंगना रनौत को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद ये चर्चा तेज हो गई कि वहां मुकाबला दो महिला प्रत्याशियों में हो सकता है। सेलिब्रिटी है बट एकदम से राजनीति में आकर कैसी भूमिका निभाती है वो देखने वाली बात है। हालांकि कुछ दिन पहले ही मंडी से मौजूदा सांसद प्रतिभा सिंह ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। एक एमपी फंड बांटने से कोई इलेक्शन नहीं जीता जा सकता, हमारा वर्कर थोड़ा निराश बैठा है। प्रतिभा सिंह ने ये आरोप लगाया था कि उन्होंने चुनाव न लड़ने का फैसला राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की वजह से लिया। उनके मुताबिक सीएम सुक्खू ने उनसे जारी मनमुटाव की वजह से न तो मंडी के कार्यकर्ताओं पर ध्यान दिया और न ही चुनाव से जुड़ी कोई तैयारियां की। इस दौरान वो ये कहने से भी नहीं चूकी कि इस बार मंडी से कांग्रेस का जीतना बेहद मुश्किल होगा।